हेलो फ्रेंड्स, इस डॉक्टर अभिलाष मोदी, आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। हर बार की तरह मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ एक्साइटिंग और कुछ शानदार चीज, जो चीज आपकी इंग्लिश को बहुत शानदार लेवल पे लेकर के चली जाएगी। देखिए, हम जो चीज आज सीखने वाले हैं वो चीज क्या है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा SOMH और SHMO। दुनिया का हर हिंदी सेंटेंस जो होता है वो होता है SOMH, और लास्ट में H जो है वो शो करता है हिंदी सिंबल को। जब ये कन्वर्ट होता है इंग्लिश के अंदर, जैसा यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये हिंदी का है, जब ये कन्वर्ट होता है इंग्लिश के अंदर तो यहां पर इस चीज को निकाल करके हम यहां पर लगा देते हैं, और हिंदी सिंबल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर इंग्लिश सिंबल मतलब की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं प्रॉपरली कि किस तरीके से मैं सेंटेंस को बना सकता हूं जिससे कि सेंटेंस गलत ना हो। अगर मुझे ता है ती है ते हैं या पास सिंपल का सिंबल या गा गी गे, रहा है रही है रहे हैं, रहा था रहा होगा, चुका है चुका था चुका होगा, ऐसा कोई भी सिंबल अगर मुझे दिखाई देता है तो वहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी है। जैसे अगर मुझे दिखता है रहा था रही थी रहे थे तो मैं लगाऊंगा वॉज वर्ब और हैड बीन। अगर मुझे दिखता है चुका है चुकी है चुके हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में मतलब चुका है चुकी है चुके हैं आ रहा है हिंदी का ऐसा कोई सेंटेंस, तो उसके अंदर मैं लगाऊंगा हैज और हैव। तो यही चीज हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था। अगर आप उस चीज को प्रॉपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक को जरूर देख ले, उसके अंदर वीडियो खुल जाएगा और आप उस चीज को प्रॉपरली देख पाएंगे। तो SOMH और SHMO ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अगर आप SOMH और SHMO इस चीज को प्रॉपरली समझ जाते हैं तो आप इस चीज को प्लीज समझ लें कि आप चाहेंगे तो भी गलत सेंटेंस नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास वो प्रोसीजर है कि हमको मगअप करने की, पैराटाइज करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चीजों को समझ करके इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है, बहुत सारे लोग इस तरीके से कहते हैं कि आप हिंदी में ना सोचे, आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें। वो चीज बिल्कुल पॉसिबल है जब आपके पास में एक्सपोजर शानदार हो। एक्सपोजर का अर्थ यहां क्या हुआ, हम सभी लोगों के पास में साइलेंट पीरियड होता है। साइलेंट पीरियड का अर्थ क्या होता है, जैसे हम बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम चीजों को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो चीज होती है साइलेंट पीरियड। जब एक छोटा सा बच्चा चीजों को सुनता है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सुनता है, बिना ये सोचे कि मैं नहीं बोल पा रहा वापस, ये होता है साइलेंट पीरियड। और जब हम बाहर जाते हैं दुनिया में हम उस चीज को एक्सपोज करते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा कभी हो नहीं पाता। तो साइलेंट पीरियड का अर्थ क्या है, आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करें और समझ पाएं, पर मैक्सिमम लोगों को ऐसा पीरियड ही नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे लोग नहीं होते हमारे आसपास जो बहुत अच्छी और शानदार और करेक्ट इंग्लिश बोलते हों। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं पर करेक्ट इंग्लिश बोलना और इंग्लिश बोलना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। इस कारण से हम लोगों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता, और जब हमको एक्सपोजर नहीं मिलता तो हम करेक्ट इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं, हम करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते और हम केवल इंग्लिश बोल देते हैं जो कन्वेयर बेल्ट के रूप में तो काम आती है पर प्रॉपर लेवल पर हमारी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाती। तो इस चीज प्लीज समझे कि SOMH और SHMO इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि हम सामने वाले को हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं तो चीजों को प्रॉपर लेवल पे समझा पाए। पहली चीज ये। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज और बताई थी कि किस मैन वर्ब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ हम लगा सकते हैं डू, डस, डिड और विल एंड शैल। यहां पर मैंने शैल नहीं लिखा है, जहां कहीं विल है वहां आप शैल भी इमेजिन करें। जब हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे सारी चीजों को, उस समय पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस जगह पर हम विल लगाते हैं और किस जगह पर हम शैल लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चीज को आप समझ लें, अभी विल और शैल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां विल लिखा हुआ है माइंड में इमेजिन करना है कि शैल भी है, विल कहां लगाना है शैल कहां लगाना है ये बात की बात है। अभी हमको विल ही लगाना है हर जगह पर, शैल कुछ समय बाद हम लोग वीडियोस के अंदर समझेंगे। तो देखिए मैं बता रहा था मैनू की फर्स्ट फॉर्म डू, डस, डिड, विल और शैल के साथ हम लगा सकते हैं। सेकेंड फॉर्म कहां लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म ये कहां लगाई जाती है, जब भी कभी ऐसे कोई सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मैं गया, मैंने सोचा था, मैं भागा, मैं आया, मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाला, मैंने चाय पी, मुझे अच्छी लगी, जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हमको लगानी होती है सेकंड फॉर्म या फिर डिड और फर्स्ट फॉर्म। डिड और फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, ये वेरी करता है सेंटेंस टू सेंटेंस। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में मैन की सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज बाकी सेंटेंसेस में ये सारी चीज लगती है। पर अभी हमारा मेन पर्पज ये है कि मैं हेल्पिंग वर्ब्स को चूज करने में गलती ना करूं। देखिए
मैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रॉपर लेवल पे बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, ये एक अलग मैटर है। पहला मैटर यह है कि कहीं ऐसा ना हो सेंटेंस आए मेरे सामने, मैं गया था और मैं इंग्लिश बना दू आई वॉज गो, वो चीज मुझे प्रॉपर लेवल पे पता होनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसी कारण से बना रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है डू डस डिड और विल और शैल के साथ में। सेकंड फॉर्म जो होता है वो लगता है मैं गया, मैंने सोचा, इस तरीके के पास सिंपल के सेंटेंसेस के साथ में। थर्ड फॉर्म लगानी है एच ए मतलब हैव हैज हैड और विल हैव के साथ में। और लास्ट में है आई एन जी, वो लगाना है इज आर एम वॉज वर विल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन और विल हैव बीन के साथ में। इन सभी के साथ में लगेगी आई एन जी फॉर्म। इसके साथ मैंने ये भी चीज बताई थी कि मॉडल जैसे कैन कुड कुड बी हैज टू हैव टू इज टू आर टू एम टू, इन सारी चीजों के साथ में कौन सी मैन वर्ब्स लगती है, उसके लिए आपको वापस से डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है सेकेंड वीडियो का मतलब लास्ट वीडियो का ग्रामर वाली, उसको देखना होगा। आज हम अब कंप्लीट फोकस जो डालने वाले हैं वो डालने वाले इस वीडियो के ऊपर। ये वीडियो क्या है, पहली चीज इसको समझाने से पहले मैं ये बता दूं, आपने इन चीजों को बहुत बार समझा है टेंस के रूप में और हो सकता है ये चीजें आपको परेशान करने में, इरिटेट करने में, बॉदर करने में या पकाने में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पकाने में बहुत हद तक कारगर साबित हो चुकी है, मतलब ये चीज आपको बहुत हद तक पकाती है। पर इस चीज को आप समझ ले प्लीज, इन चीजों को हम टेंस के रूप में नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सिंपल से इस तरीके से, अगर ताहे तीहे तेहे ताहूं या तीहूं, ऐसी कोई भी चीज मुझे किसी भी सेंटेंस के एंड में दिख जाती है, जैसे हम जाते हैं तुम जाते हो, वो लड़की मुझे लाइक करती है, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मैं मोटिवेशन देता हूं, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं, तुम बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हो, तुम चीजों को प्रॉपर लेवल पे नहीं समझते हो, ये इंसान मुझे भाई समझता है, मैं इसको दोस्त से बढ़कर समझता हूं, ऐसे सेंटेंस जिसमें एंड में ता है ती है ते है ताहूं तीहूं ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो आपको जब ऐसा कुछ यहां पर आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है, या तो डू या डस और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कैसे लगेगा उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, अभी केवल ये चीज समझनी है कि जैसे ही ता है ती है ते है ऐसा कोई भी किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको दिखता है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमें लगाना है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म या डू डज और फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं पास सिंपल। पास सिंपल का अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया था, मैं गया, मैंने सोचा, मैं भागा, ऐसी कोई भी चीज जो हुई पास्ट में है पर उसका प्रेजेंट से अभी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, जब उसका प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं होता पर वो पास्ट में घटी है तो उसके लिए लगाया जाता है हेड। जैसे मैंने सपोज करो इस तरीके से बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा, उस चीज का केस आज भी चल रहा है, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पीटा है और उस चीज का केस आज भी चल रहा है, तो मैं क्या लगाने वाला हूं ये। और नेक्स्ट नंबर पे कुछ लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा था, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा, जब मैं 2-3 साल का हुआ करता था तो लोगों ने मेरा बहुत बुरा सोचा था उस समय पर, ठीक है, वहां मैं क्या लगा रहा हूं हेड, क्योंकि आज उन लोगों का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। जब चीजों का कनेक्शन हमसे नहीं होता है पर वो पास्ट में होती है वहां पर हम लगाते हैं हेड और थर्ड फॉर्म, और जब हमारा किसी चीज से कनेक्शन होता है और वो आज भी होती है, जैसे सचिन का एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन ने क्रिकेट खेला या सचिन ने क्रिकेट खेला था, हम दोनों में क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड और फर्स्ट फॉर्म। और अगर मैंने इस तरीके से बोला कि कपिल देव ने भारत को मैच जिताया या जिताया था, तो हम वहां क्या लगाएंगे, हेड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि उसका आज से एज कोई कनेक्शन है नहीं, इस कारण से हमको लगाना होगा हेड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में लगता है गा गी गे, अगर मुझे यहां दिखता है जैसे मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, हम भागेंगे, आप हमें देखोगे, हम मेडल जीतेंगे, लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मुझ पर किताब लिखी जाएगी, लोग मुझ पर मूवी बनाएंगे, लोग अच्छी चीजें सोचेंगे, मैं लोगों की जिंदगी का हौसला बनूंगा, ऐसी चीजें जब भी आती है तो वहां पर हमको लगाना होता है विल या शैल। यहां शैल नहीं लिखा हुआ है, अभी आपको दिमाग में रखना है, केवल विल, शैल भी यूज में होता है पर उसके लिए आपको थोड़ी सी आने वाली वीडियोस के लिए वेट करना होगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, रहा है रही है रहे हैं, रहा था रही थी रहे थे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, या रहा होगा या रही होंगी, इससे सिमिलर चीजों को लिखा हुआ नहीं पर आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए मैं जो चीज बताने वाला हूं वो क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस,
इज आर एम भी रहा है रही है में आ रहा है, हैज बिन हैव बिन भी रहा है रही है में आ रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? यहां पर एक चीज जो मैंने नहीं लिखी हुई मैं लिखने जा रहा हूं, उसके बाद में आपकी 90% चीजें क्लियर हो जाएगी दिमाग में इससे रिलेटेड। वो चीज क्या है? वो चीज है ड्यूरेशन। जब भी कभी मुझे बीन दिख गया और उसके साथ में आईएनजी दिख गया, तो इस चीज को समझ ले, ये चीज शो कर रही है ड्यूरेशन को। हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि जब भी कभी हैज बीन हैव बीन दिखा तो मुझे सिंस फॉर लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, दैट इज वेरी नाइस। पर आप इस चीज को पहले समझे कि जब अगर टाइम बताया हुआ नहीं है, टाइम डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ है अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, फिर भी अगर कहीं पर ड्यूरेशन है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इज आर एम लगेगा, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, हैज बीन हैव बीन में से कुछ लगेगा। जैसे मैंने बोला हम दौड़ रहे थे, वॉज वर, उसेन बोल्ट सालों से दौड़ रहे थे, हैड बीन। जैसे कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं वीडियो बनाने की ट्राई बहुत टाइम से कर रहा था, हैड बीन, मैं वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था, तो वॉज वर। जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई ट्रॉफी मिली और मैं घर पर दौड़ता दौड़ता गया और मैंने मम्मी को बोला मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी ने बोला डिस्टर्ब मत कर पापा सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, फादर इज स्लीपिंग। नेक्स्ट, पापा को 6 घंटे हो गए और पापा सो रहे हैं दिन में, मैं बोलूंगा पापा ये क्या है और मम्मी ये क्या है यार, पापा 6 घंटे सो रहे हैं, पापा को मतलब ही नहीं मैंने ट्रॉफी जीती, तो पापा काफी टाइम से सो रहे हैं तो इसलिए लग रहा है वो हैज बीन और हैव बीन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई इंसान काफी टाइम से इस काम को कर रहा है तो वहां पर हम लोग लगेंगे हैज बीन और हैव बीन। जब उस काम को कोई इंसान उसी समय में उसी कंटिन्यूटी के साथ तो कर रहा है पर उसी समय में कर रहा है, वहां हम लगाएंगे इज आर एम। और पास्ट में जब ऐसा हो रहा है तो वॉज वर, पास्ट में कंटिन्यूटी बन रही है और ड्यूरेशन बन रहा है तो वहां हम लगाएंगे हैड बीन। और विल बी और विल हैव बीन, इसका भी सिस्टम सिंपल होता है। इसके सेंटेंसेस जो है मैं आपको एक दो बताऊंगा ताकि आप इसको प्रॉपर समझ पाए, क्योंकि इसके सेंटेंस को समझना बड़ा मुश्किल है। विल बी में पहली चीज समझ ले, जब भी कभी विल बी या मैं विल हैव की बात कर रहा हूं, जब भी मैं कभी विल बी या विल हैव की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक चीज ट्राई करें आप लोग, वैन लगाएं। वैन का अर्थ यहां पर होता है जब। जब का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? देखिए विल बी, मैं एक सिंपल सा बोलता हूं कि मैं जा रहा होऊंगा, गलत नहीं है, पर अगर मैं हिंदी सेंटेंस ऐसा बनाऊं कि जब मैं जा रहा होऊंगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, क्या लगेगा? फिर तो जब अगर हम लगाएंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल और अडॉप्टिंग वाला लगेगा, कि आपको ऐसा लगेगा हाँ यार मुझे थोड़ा समझ में इजीली आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे, विल बी जो है वहां पर हम लगाने वाले हैं जब का सेंस, तो थोड़ा सेंटेंस बन जाएगा अच्छा। जरूरी नहीं है आप जब लगाएं, पर अगर जब लगाते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा फास्ट और इफेक्टिव बन पाएगा। जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनको छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। और इसी तरीके से जब, जब मैं बड़ा हो चुका होऊंगा, जब मैं सीए बन चुका होऊंगा, जब मैं पैसे कमा चुका होऊंगा, या जब मैंने पैसे कमा लिए होंगे, जब ऐसी चीजें आती है तो वहां पर भी अगर हम जब लगाएंगे तो वहां पर वो चीजें काफी अच्छी लगेगी। ठीक है गाइस, तो देखिए हम बात कर रहे थे इन चीजों को ड्यूरेशन में लगाते हैं, विल बी और विल हैव बीन का डिफरेंस हम देख रहे थे। विल बी का और विल हैव बीन का डिफरेंस हम विराट कोहली सर के थ्रू देखते हैं। सपोज करें विराट कोहली सर को कोई अवार्ड मिलने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के थ्रू, क्लियर। उन्होंने अनुष्का शर्मा मैम को बोला कि अनुष्का एक काम करना, जब मुझे अवार्ड मिल रहा होगा, क्योंकि सिंगल टाइम मिल रहा है अवार्ड, बार बार तो नहीं मिल रहा, हम ऐसा तो नहीं करें बार बार मिल रहा होगा, तो जब मुझे अवार्ड मिल रहा होगा तो तुम फोटोग्राफ खींच लेना। विल बी। नेक्स्ट, हमारे जो सपोज कीजिए बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोला, उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा कि प्लीज विराट कोहली सर को पद्म विभूषण या उनको भारत रत्न दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और भारत के लिए, भारत का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो इस तरीके से कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि विराट बहुत अच्छा खेल रहे हैं मुझे पता है, पर जब वो इस चीज को 5-6 सालों तक अच्छा खेल रहे होंगे तब इस बारे में सोचा जाएगा। जब वो 5-6 सालों तक खेल रहे होंगे, देखिए रहे होंगे तो आ रहा है, पर 5-6 सालों तक मतलब ड्यूरेशन आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ड्यूरेशन जो है वो बताया हुआ हो कि 5-6 साल, जैसे अगर मैंने ऐसा बोला वो बहुत टाइम तक अच्छा खेल रहे होंगे तो वहां पर भी हम विल हैव बीन लगा सकते हैं। इस चीज को समझें, अगर सिंस और फोर ही सब कुछ करता तो मुझे इसकी को लगाने की जरूरत ही नहीं है,
मैं ऐसा लगा सकता हूं आई एम गोइंग और आई एम गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं इसको लगा ही क्यों रहा हूं? इसका मतलब ही यह है कि सिंस फोर तो लगता है, पर अगर वो ना भी लगे और मैंने सिंपल सा दो सेंटेंस बोले आई एम टीचिंग, ये शो कर रहा है मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग ये शो कर रहा है मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, मतलब वो चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शो कर रही है। केवल फर्क ये है सिंस और फोर लगने के बाद क्या होता है, फोर से हमें ड्यूरेशन पता चल जाता है और सिंस से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस चीज का वो पता चल जाता है। सिंस और फोर के डिटेल यूज के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे आने वाली वीडियोस का आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, हैज हैव, इसके अंदर लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड में भी लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव में भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने आपको याद भी करवाया था एच ए एच ए एच ए और एच ए इस तरीके से लगता है। इसका मतलब सिंपल है, जो चीज रिसेंट में हो चुकी है, जैसे मैंने इस तरीके का सिंपल सा सेंटेंस बोला, सपोज करो कि मैं खाना खा चुका हूं, अगर मैं बोलता मैंने खाना खाया ये, अगर मैंने पास्ट में बोला किसी मैरिज पार्टी के लिए जिसका मेरा अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर मैं क्या बोलता, मैंने खाना खाया था उस टाइम पर, तो मैं लगाता हेड। और जब मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि जब मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं आपको बता दूंगा फिर हम लोग चलेंगे, तो विल हैव। वापस देखते हैं, सभी चीजों को एक बार रिपीट करते हैं। देखिए वापस से सपोज करें मैंने ऐसा बोला, मैं एक शादी में जा रहा था, क्या लगाऊंगा मैं, वॉज वर और आईएनजी, वेरी गुड। यहां मुझे दिखा मैं शादी में जा रहा था, मैं लगाऊंगा यहां पर वॉज वर या आईएनजी में से एक, ठीक है। वॉज कहां लगता है, वर कहां लगता है, अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आप बना लेंगे, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, अगली वीडियो इसी बारे में होगी। नेक्स्ट नंबर पे मैं शादी में जा रहा था, वॉज वर आईएनजी हो गया, मैंने अचानक से मेरी बहन को देखा, मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, डिड या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, आई सॉ माय सिस्टर, मुझे अजीब सा लग रहा था, फिर से क्या लगाऊंगा मैं, वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैं मेरी सिस्टर को पहले देख चुका था, जैसे ही सेंटेंस के एंड में आया हिंदी में चुका था, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, हैड और थर्ड फॉर्म। उसके कुछ टाइम बाद अचानक से मैंने अपनी मामी को देखा, फिर से ऐसा लगाऊंगा। जब भी मैं अपनी मामी को देखता हूं मुझे बड़ा डर लगता है, ता है ती है ते है, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगली बार जब मैं अपनी मामी को देखूंगा तो मैं नहीं डरूंगा, गागी क्या आ रहा है, तो विल और फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूं इजारे, तो मैं नहीं फेंक रहा हूं, मैं इस डर को महसूस कर चुका हूं, इसलिए मैं इतने टाइम से मेरी मामी और उनकी बेटी, मतलब मेरी बहन के बारे में बता रहा हूं, इतने टाइम से, तो हैज बीन और हैव बीन। तो इस तरीके से हम स्टोरी के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो गाइज ये जो वीडियो था ये डेडिकेटेड था उन बिगिनर्स और उन अच्छे लोगों के लिए जो इंग्लिश को परफेक्टली बोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो इंग्लिश को सिर्फ बोलना चाहते हैं, उनको केवल इंग्लिश को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज में लेना है और उनको अपनी बात को सामने वालों को समझाना है चाहे वो समझे या नहीं समझे। तो गाइज ट्राई करें तीनों वीडियोस, SOMH को SHMO में कन्वर्ट करने वाली और किस मैन वर्ब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और जब हमारे पास में हिंदी में यहां पर कोई चीज आती है तो उसके बाद में इंग्लिश में क्या चीज लगती है, इसके लिए ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छी है। प्लीज इन वीडियोस को प्रॉपरली देखें। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे एनकरेज करना चाहते हैं, तो प्लीज एक लाइक भी दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।